हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके बच्चे के लिए लेके आई हूँ सिंपल एंड इजी सूजी पैनकेक की रेसिपी। सिंपल एंड इजी रेसिपी है और बहुत क्विकली बन जाती है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में आप ये सिंपल सूजी पैनकेक अपने बच्चे को बनाकर दे सकते हैं। उसका पेट भी अच्छे से भर जाएगा, उसके लिए हेल्दी भी होगा, या तो फिर बच्चे के टिफ़िन बॉक्स में डाल के भी आप ये सूजी पैनकेक दे सकते हैं, उसे काफ़ी पसंद आएगा। बहुत सॉफ्ट होता है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं खाने में, मेरी मम्मा को बहुत पसंद है, तो मैं कभी भी ये सूजी पैनकेक अपने बेटी को बना के देती हूँ, उसको बहुत पसंद आता है। तो चलिए मेरे किचन में आज बना लेते हैं सिंपल सूजी का पैनकेक। तो सिंपल सूजी पैनकेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है सूजी। मैंने यहाँ पे बारीक सूजी लिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिया है शुगर जिसको मैंने पीस लिया है, मिल्क और थोड़ा सा बटर। मेन इंग्रेडिएंट्स आपको यही लगेगा, इसके अलावा जो भी चीज़ें लगेगी मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले पैनकेक का बैटर बना लेते हैं। तो बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक मिक्सिंग बोल। अब इस बोल में मैं सबसे पहले दे रही हूँ ये सूजी, पिसी हुई चीनी, और अब मैं इसमें दे दूँगी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक हम इसमें ऐड करेंगे और हम इसमें दे देंगे ये बटर। और अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लूँगी। ये बिल्कुल सिंपल एक पैनकेक है, आप इजीली बना सकते हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में घर पे। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करूँगी और एक सॉफ्ट बैटर बना लूँगी। अभी आपको लग रहा होगा कि ये जो पैनकेक का बैटर है ये थोड़ा सा पतला है, बट सूजी मिल्क पूरी तरह से सोक कर लेगा, तो ये जो बैटर है इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करूँगी। इलायची पाउडर बच्चों के लिए बहुत हेल्दी भी होता है और इसकी जो महक है वो भी काफ़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करूँगी। आप यहाँ पे इलायची पाउडर स्किप भी कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे वैनिला एसेंस भी दे सकते हैं। तो ये सूजी पैनकेक बैटर बन के बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको कम से कम 30 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी। तो करीबन आधे घंटे के बाद आप देख सकते हो कि सूजी का जो बैटर है वो कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक हो चुका है, पतला नहीं है, घना ही है। मैंने पहले ही कहा है कि सूजी पैनकेक का जो बैटर है वो बहुत पतला नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी घना ही होगा इसका। तो बैटर बिल्कुल तैयार है, अब चलिए पैनकेक बना लेते हैं। तो मैंने गैस में रख दिया है ये नॉनस्टिक पैन। आपको ये जो सूजी का पैनकेक है वो नॉनस्टिक पैन में ही बनाना है, नॉनस्टिक में बनाएंगे तो चिपकेगा नहीं। तो पैन गरम होने पर मैं इसमें ना तो बटर दूंगी ना ऑयल दूंगी, सिंपली मैं ये जो बैटर है सूजी का वो इसमें दे दूंगी। और बिल्कुल लो फ्लेम में करीबन 5 से 7 मिनट के लिए आपको एक साइड से कुक करना है। अब 5 से 7 मिनट के बाद आपको धीरे से इसको पलट देना है। बहुत ही ध्यान से आपको इस पैनकेक को पलटना है, क्योंकि इसमें ना तो हमने ऑयल यूज़ किया है ना बैटर यूज़ किया है, तो टूट सकता है ये। और दूसरे साइड से भी हम बिल्कुल लो फ्लेम में 5 से 7 मिनट तक कुक करेंगे। तो हमारा ये सूजी पैनकेक बनके बिल्कुल तैयार है। अब ऐसे ही मैं पूरे बैटर का पैनकेक बना लूंगी। तो ये सिंपल एंड इजी सूजी पैनकेक बनके बिल्कुल तैयार है। और अब मैं इसके ऊपर दे दूंगी हनी। हनी देने से इसका टेस्ट और ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत सॉफ्ट होता है, आपका बच्चा इजीली खा सकता है। आप अपने बच्चे के टिफ़िन बॉक्स में भी ये पैनकेक बना के दे सकते हैं, या तो फिर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में आप ये सूजी पैनकेक बना के दे सकते हैं। स्नैक्स टाइम पे भी आप इजीली ये पैनकेक बना के दे सकते हैं अपने बच्चे को। क्विकली बन भी जाती है और आई एम श्योर आपके बच्चे को बहुत पसंद भी आएगा। तो बस ये थी इजी एंड सिंपल सूजी पैनकेक की रेसिपी। देखा आप लोगों ने कैसे क्विकली बन गया। आप ऐसे क्विकली सूजी पैनकेक अपने बच्चे को बना के दे सकते हैं। और हाँ, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चे को कैसा लगा ये सूजी पैनकेक। आई एम श्योर कि ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और प्लीज़ इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।